इस क्वेश्चन को देखिए, ये 2003 का क्वेश्चन है। यहाँ पर कुछ एफडीज आपको गिवन है, रिलेशन है आपका, ये रिलेशन गिवन है, रिलेशन में एट्रीब्यूट्स है, रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, और ये कुछ उनकी एफडीज गिवन है। अब तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए थे उसमें आपका सिंबोलिक नोटेशन यूज किए थे, यानी ए बी सी डी हमने इस टाइप के यूज किए थे, ठीक है ना, जैसे ए और बी। अब यहाँ पर क्या है कि आपका जो एट्रीब्यूट है जो हमने ए और बी इस टाइप के यूज किए थे, इन्होंने रोल नंबर, नेम और डेट ऑफ बर्थ इस टाइप से यूज किए, तो या तो आप इनको एबीसीडी लिख करके इस तरीके से कर सकते हैं या डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अब जैसे कि इसको देखिए, ये रोल नंबर कोमा कोर्स नेम, तो ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए रोल नंबर है आपका आर, कोर्स नंबर है सी, तो ये हो जाएगा आर सी एरो जी, ग्रेड है मेरा जी। तो जैसे कि मैंने लिखा था ए बी एरो सी, या आर सी एरो जी, तो ये आर और सी को इस तरीके से ना लिख करके इन्होंने लिख दिया रोल नंबर कोमा सी एनओ। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हमारा जो रिलेशन है उस रिलेशन में केवल ये चार एट्रीब्यूट है, रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ और एज, जबकि एफडीज में आपके बहुत सारे एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट भी गिवन है। तो आप क्या कीजिए, आप इसको फिल्टर कर लीजिए, इसमें से केवल वो एफडीज ले लीजिए जो वैलिड होगी केवल और केवल इस रिलेशन के लिए, यानी जो इस रिलेशन के लिए वैलिड हो केवल उन एफडीज को आप यहां पर ले सकते हैं, ठीक है ना। यानी अननेसेसरी एफडीज को आप हटा दीजिए जो कि इस रिलेशन के लिए वैलिड ना हो, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ इसमें है, एज भी है, तो ये आपका इस रिलेशन के लिए वैलिड होगी। एज है, एलिजिबिलिटी नहीं है, एलिजिबिलिटी नहीं है तो इस एफडी को आप हटा दीजिए, ये वैलिड ही नहीं है इस रिलेशन के लिए। नेम है और इसमें रोल नंबर भी है, ये वैलिड है, रोल नंबर है और नेम है, ये भी वैलिड है। कोर्स नंबर इसमें देखिए नहीं है, कोर्स नंबर नहीं है तो ये हटा दीजिए, ये आपके इसके लिए वैलिड नहीं रहेगी। उसके बाद में देखिए, इंस्ट्रक्टर इसमें नहीं है, कोर्स नेम तो है लेकिन इंस्ट्रक्टर नहीं है, कोर्स नेम भी नहीं है, इंस्ट्रक्टर भी नहीं है, तो ये एफडी भी वैलिड नहीं होगी इस रिलेशन के लिए। इसको देखिए, रोल नंबर कोमा कोर्स नंबर, अब देखिए यहाँ पर कोर्स नंबर तो है ही नहीं है, और ठीक है ना, तो ये भी इसके लिए वैलिड नहीं होगी, तो इसको भी आप हटा सकते हैं। तो इन एफडीज में से केवल ये 3 एफडीज ही वैलिड है, होगी इस रिलेशन के लिए। अब देखिए यहां पर एक केस और हो सकता है, केस इस तरीके से हो सकता है कि लेट से आपको यहां पर एक एफडी गिवन होती, लेट से आपको एफडी गिवन होती रोल नंबर एरो, रोल नंबर एरो डीओबी, डीओबी लेट से डीओबी एज इंस्ट्रक्टर, डीओबी एज इंस्ट्रक्टर, ये आपको एफडी गिवन होती, तो आप ऐसा नहीं कर सकते थे यहां पर कि देखिए इसमें इंस्ट्रक्टर तो है ही नहीं है तो पूरी एफडी आप हटा दें। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि आप उसमें से अपने काम की एफडी फिल्टर करेंगे, तो अगर आप इसको डिकम्पोज करेंगे तो डिकम्पोज करके मैं ऐसे लिख सकता हूं कि रोल नंबर एरो डीओबी एज एक तरफ आ जाएगा और रोल नंबर एरो इंस्ट्रक्टर आपका दूसरी तरफ आ जाएगा। अब देखिए रोल नंबर इंस्ट्रक्टर इसमें है नहीं है तो रोल नंबर एरो इंस्ट्रक्टर वाले को आप हटा दीजिए, फिल्टर करके ये अपने काम की निकाल लीजिए। आपकी काम की क्या थी, रोल नंबर एरो डेट ऑफ बर्थ एज, तो फिर आप इसको डिस्कार्ड करके और इसमें से फिल्टर करके अपने काम की एफडी इस तरीके से निकाल सकते थे। या हमने आप जो आपको जो फंक्शनल डिपेंडेंसी की जो प्रॉपर्टीज बताया था, जैसे यूनियन हो गया, स्प्लिटिंग हो गया, ठीक है ना, या और भी ट्रांजिटिव बहुत सारी प्रॉपर्टी बताई थी, उनका अप्लाई करके, उन रूल्स को अप्लाई करके भी अपने काम की एफडीज इस रिलेशन के अकॉर्डिंगली आप फिल्टर कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो जैसे कि आप देख पा रहे थे यहां पर जो गिवन था उसमें आपका जो काम की एफडीज थी वो फिल्टर करने के बाद मुझे ये केवल 3 एफडी यहां पर मिल जाएगी। कैंडिडेट की क्या हो जाएगा, इस रिलेशन के कैंडिडेट की क्या हो जाएगी, देखिए नेम से रोल नंबर मिल गया, रोल नंबर से मुझे नेम मिल रहा है, डेट ऑफ बर्थ से मुझे एज मिल रहा है, यानी नेम और रोल नंबर में से कोई एक ले लेता हूं, लेट से मैं रोल नंबर ले ले रहा हूं, मैं ले ले रहा हूं रोल नंबर, क्योंकि नेम से मुझे रोल नंबर मिल जा रहा है, रोल नंबर से मुझे नेम मिल जा रहा है, यानी नेम और रोल नंबर से मैं से किसी एक को ले लेता हूं, तो लेट से मैंने रोल नंबर ले लिया। डेट ऑफ बर्थ से मुझे एज मिल जाएगा लेकिन डेट ऑफ बर्थ मुझे किसी से नहीं मिल रहा है, तो मैं यहां पर डेट ऑफ बर्थ को भी ले लूंगा। अब देखिए रोल नंबर से नेम मिल गया, डेट ऑफ बर्थ से एज मिल जाएगा, रोल नंबर से नेम मिल गया, डेट ऑफ बर्थ से एज मिल जाएगा, तो ये मेरा एक की हो जाएगा, यानी फर्स्ट कैंडिडेट की हो जाएगा रोल नंबर डेट ऑफ बर्थ, सेकंड कैंडिडेट की हो जाएगा कि रोल नंबर की जगह पर मैं यहां पर नेम लिख देता हूं और डेट ऑफ बर्थ को मैं एज इट इज रखता हूं, ये मेरी दो की हो जाएंगी, फर्स्ट कैंडिडेट की रोल नंबर डेट ऑफ बर्थ, सेकंड कैंडिडेट की नेम डेट ऑफ बर्थ, प्राइम एट्रीब्यूट यहां पर हो जाएंगे रोल नंबर नेम डेट ऑफ बर्थ, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट यहां पर हो जाएगा आपका एज। अब चेक करते हैं किस नॉर्मल फॉर्म में है, बीसीएनएफ के लिए चेक करते हैं, क्या ये बीसीएनएफ में है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब 3NF के लिए चेक करते हैं, ये देखिए आपका सुपर की नहीं है, ये भी सुपर की नहीं है, ये भी आपका सुपर की नहीं है। क्या ये प्राइम एट्रीब्यूट है, ये आपका प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है, ये आपका प्राइम एट्रीब्यूट है, ये आपका प्राइम एट्रीब्यूट है, इसका मतलब ये एफडी 3NF की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, ये एफडी भी आपका 3NF की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो ये 2NF को भी करेगा, 1NF को भी करेगा, ठीक है ना। तो आगे हम इसको चेक नहीं करेंगे, हम केवल एक एफडी को अब आगे चेक करेंगे, डेट ऑफ बर्थ एज को चेक कीजिए, ये 3NF को फेल कर रहा था, क्या 2NF को कर रहा है, तो डेट ऑफ बर्थ क्या प्रॉपर
सबसेट है कैंडिडेट की का, बिल्कुल है, डेट ऑफ बर्थ इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ दिस कैंडिडेट की। राइट हैंड साइड में क्या प्राइम नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, राइट हैंड साइड में बिल्कुल आपको नॉन प्राइम एट्रीब्यूट मिल रहा है, यानी ये पीडी है। पीडी होने की वजह से ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में भी नहीं होगी, इसका मतलब ये रिलेशन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगा, क्योंकि बाई डिफॉल्ट ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है, क्योंकि हमें यहां पर ये भी गिवन नहीं है कि इनमें से कोई एट्रीब्यूट मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है, यानी सभी एट्रीब्यूट सिंगल वैल्यूड है, तो बाई डिफॉल्ट वन एनएफ में होगा, तो आंसर आ जाएगा दिस रिलेशन इज इन वन नॉर्मल फॉर्म, तो आंसर आपका हो जाएगा डी नन। ये है आपका एक टेबल यहां पर गिवन है स्टूडेंट परफॉर्मेंस, और ये कुछ आपको एफडीज गिवन है, स्टूडेंट परफॉर्मेंस एट्रीब्यूट है नेम कोर्स नंबर रोल नंबर ग्रेड। अब एफडी गिवन है नेम कोर्स नंबर ग्रेड रोल नंबर कोर्स नंबर ग्रेड नेम एरो रोल नंबर एरो नेम। सबसे पहले इसकी कैंडिडेट की फाइंड आउट करते हैं, तो देखिए इसकी कैंडिडेट की क्या हो जाएगा, नेम लेने पर मुझे रोल नंबर मिल जाएगा, रोल नंबर लेने पर मुझे नेम मिल रहा है, यानी नेम और रोल नंबर में से मैं किसी एक को ले लेता हूं, लेट से मैंने रोल नंबर ले लिया, क्योंकि रोल नंबर और नेम में से किसी एक को लेने पर मेरा काम चल जाएगा, रोल नंबर ले लिया। अब देखिए रोल नंबर मैंने ले लिया है, लेकिन मुझे कोर्स नंबर किसी से नहीं मिलेगा, कोर्स नंबर किसी से नहीं मिलेगा, तो मुझको कोर्स नंबर यहां पर लेना ही लेना पड़ेगा, तो मैंने लेट से कोर्स नंबर भी ले लिया। नेम लेने पर मुझे रोल नंबर लेने पर मुझे नेम मिल गया, और रोल नंबर कोर्स नेम लेने पर मुझे ग्रेड मिल जाएगा। इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मुझे आर मिल गया, यानी फर्स्ट की क्या हो जाएगा, रोल नंबर कोर्स नंबर, रोल नंबर कोर्स नंबर फर्स्ट कैंडिडेट की हो जाएगा। सेकंड देखिए रोल नंबर की जगह पर मैं यहां पर नेम भी लिख सकता हूं, तो सेकंड कैंडिडेट की हो जाएगा नेम कोर्स नंबर, नेम कोर्स नंबर आपका सेकंड कैंडिडेट की हो जाएगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इस रिलेशन में दो कैंडिडेट की होगी, रोल नंबर कोर्स नंबर या नेम कोर्स नंबर, और प्राइम एट्रीब्यूट हो जाएंगे रोल नंबर कोर्स नंबर नेम, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो जाएगी ग्रेड। अब चेक करते हैं बीसीएनएफ के लिए, क्या ये बीसीएनएफ में होगा, देखिए ये रिलेशन ये एफडी आपका बीसीएनएफ में होगा, क्योंकि नेम कोर्स नंबर की है, यानी ये बीसीएनएफ में है, बीसीएनएफ में है तो डेफिनेटली ये आपका थर्ड में भी होगा, सेकंड में भी होगा और फर्स्ट में भी होगा। इसी तरीके से ये भी आपका किस में है, बीसीएनएफ में, रोल नंबर कोर्स नंबर ये भी आपका बीसीएनएफ में है। तो चेक करिए ये बीसीएनएफ में नहीं है, चेक कीजिए क्या थ्री एनएफ में, देखिए थ्री एनएफ में सुपर की तो है नहीं है, क्या ये प्राइम एट्रीब्यूट है, बिल्कुल ये प्राइम एट्रीब्यूट है, यानी थ्री एनएफ में, ये थ्री एनएफ में है तो टू में भी होगा वन में भी होगा। चेक कीजिए तो देखिए ये सुपर की नहीं है, और इधर चेक कीजिए ये आपका जो है प्राइम एट्रीब्यूट है, यानी ये भी थ्री एनएफ में है, तो हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म यहाँ पर होगा थ्री एनएफ, आंसर आ जाएगा बी, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थर्ड नॉर्मल फॉर्म। यहां पर फर्स्ट, ये फर्स्ट रिलेशन है बुक, सेकंड रिलेशन है मेरा कलेक्शन, और ये कुछ एफडीज मुझे गिवन है, तो सबसे पहले तो यहां पर ये चेक करते हैं कि ये रिलेशन किस नॉर्मल फॉर्म में होगा, बुक रिलेशन किस नॉर्मल फॉर्म में होगा, और आपका जो ये कलेक्शन रिलेशन है ये किस रिलेशन में होगा। बुक रिलेशन को देखिए, अब बुक रिलेशन में आपके एट्रीब्यूट है टाइटल, ऑथर, कैटलॉग नंबर, पब्लिशर नंबर, ईयर और प्राइस। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इन एफडीज में ये सारे एट्रीब्यूट प्रेजेंट है, यानी ये सारी एफडी हमारे काम की है, अगर आप बुक रिलेशन की बात कर रहे हैं तो बुक रिलेशन में सभी एट्रीब्यूट है, सभी एट्रीब्यूट यहां पर भी प्रेजेंट है, यानी सारी एफडीज मेरे काम की है। की क्या हो जाएगा इस बुक रिलेशन के लिए, की क्या हो जाएगा, टाइटल ऑथर लेने पर मुझे कैटलॉग नंबर मिल जा रहा है, कैटलॉग नंबर अगर मैं अकेला ले लेता हूं तो मुझे टाइटल ऑथर मिल जा रहा है, पब्लिशर और ईयर भी मिल जा रहा है, इसका मतलब मुझे फायदा है कैटलॉग नंबर लेने पर, तो मैंने ले लिया कैटलॉग नंबर, तो मैं यहां पर ले लूंगा कैटलॉग नंबर को, ठीक है ना, क्योंकि कैटलॉग नंबर लेने पर टाइटल ऑथर मेरे अपने आप ही कवर हो जा रहा है, साथ में पब्लिशर भी कवर हो जा रहा है, तो और आपका ईयर भी कवर हो जा रहा है। अब बचा आपका प्राइस, कि पब्लिशर टाइटल और ईयर चाहिए मुझे, तो देखिए पब्लिशर टाइटल और ईयर मिल गया तो मुझे प्राइस भी मिल जाएगा, यानी मैं ऐसा बोल सकता हूं कि कैटलॉग नंबर मेरा यहां पर की हो जाएगा, कैंडिडेट की मेरा हो जाएगा कैटलॉग नंबर, आपका फर्स्ट कैंडिडेट की हो जाएगा इस बुक रिलेशन के लिए कैटलॉग नंबर, क्योंकि कैटलॉग नंबर से आप सभी को ड्राइव कर पा रहे हैं। सेकंड देखिए कैटलॉग नंबर कहां पर आ रहा है, राइट हैंड साइड में यहां पर आ रहा है, यानी सेकंड कैंडिडेट की मेरा हो जाएगा टाइटल नंबर ऑथर कंबाइंड, तो टाइटल नंबर ऑथर कंबाइंड एक कैंडिडेट की होगा, कैटलॉग नंबर एक कैंडिडेट की होगा, और कोई की यहां पर होगा नहीं, तो ये दो कैंडिडेट की होगी इस बुक रिलेशन के लिए। तो प्राइम एट्रीब्यूट हो जाएंगे कैटलॉग नंबर, टाइटल नंबर, ऑथर और रिमेनिंग एट्रीब्यूट आपके नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो जाएंगे। अब एक एक करके चेक करते जाइए, देखिए ये आपका टाइटल नंबर ऑथर है, ये बीसीएनएफ में होगा, थ्री में भी होगा, टू में भी होगा, वन में भी होगा। कैटलॉग नंबर आपका बीसीएनएफ में होगा, थ्री में भी होगा, टू में भी होगा, वन में भी होगा। पब्लिशर टाइटल ईयर, देखिए ये आपका टाइटल नंबर ऑथर है ये, तो क्या ये सुपर की है, ये सुपर की आपका नहीं है, क्योंकि ये सुपर की नहीं है आपका, ठीक है ना, ये सुपर की नहीं है पब्लिकेशन टाइटल ईयर। तो चेक करते हैं क्या ये थ्री एनएफ में होगा,
तो 3NF के लिए चेक कीजिए, सुपर की तो है नहीं, क्या ये प्राइम एट्रीब्यूट है? नहीं है, प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है, आपका नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, 3NF में भी नहीं होगा। 2NF के लिए चेक कीजिए, क्या ये प्रॉपर सबसेट है कैंडिडेट की का? नहीं, ये प्रॉपर सबसेट नहीं है कैंडिडेट की का, इसका मतलब PD नहीं होगा, इसका मतलब ये फुली डिपेंडेंट होगा, इसका मतलब ये 2NF में होगा। तो बुक रिलेशन आपका सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होगा, यानी बुक रिलेशन आपका सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होगा। की बात करें तो कलेक्शन रिलेशन के लिए सबसे पहले हम यहां पर इन FDs को फिल्टर कर लेते हैं, क्योंकि ये FDs में कुछ एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट भी गिवन है। जैसे कि देखिए टाइटल यहां पर है, ऑथर है मेरा, कैटलॉग नंबर भी है, तो ये तो ओके है मेरा। कैटलॉग नंबर मेरा यहां पर है, टाइटल मेरा है, ऑथर मेरा है, पब्लिशर नहीं है यहां पर, और ईयर भी नहीं है, यानी ये दोनों मैं हटा सकता हूं। तो डिकम्पोज करके मैं फिल्टर कर ले रहा हूं, तो ये मैंने अपने काम का इसमें से निकाल लिया। पब्लिशर टाइटल इसमें नहीं है, ये एफडी तो मेरे बिल्कुल काम की ही नहीं है, यानी मैंने इसको फिल्टर करके कलेक्शन रिलेशन के लिए जो काम की एफडी थी वो मैंने निकाल लिया। अब देखिए इसका की क्या हो जाएगा, तो देखिए अगर मैं यहां पर कैटलॉग नंबर ले लेता हूं, कैटलॉग नंबर ले लेता हूं, तो कैटलॉग नंबर से मुझे टाइटल मिल जाएगा, ऑथर मिल जाएगा, टाइटल ऑथर से मुझे कैटलॉग नंबर मिल जाएगा, यानी कैटलॉग नंबर लेने पर, कैटलॉग नंबर लेने पर मुझे टाइटल भी मिल गया, ऑथर भी मिल गया, यानी ये की हो जाएगा, फर्स्ट की हो जाएगा कैटलॉग नंबर। अब कैटलॉग नंबर की होगा तो सेकंड की हो जाएगा मेरा टाइटल ऑथर कंबाइंड, यानी फर्स्ट कैंडिडेट की होगी कैटलॉग नंबर, टाइटल ऑथर कंबाइंड भी आपका सेकंड कैंडिडेट की हो जाएगी, यानी जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं सारे प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं। तो एटलीस्ट 3NF में तो होगा ही होगा, चेक करते हैं BCNF के लिए, ये भी सुपर की है, ये भी सुपर की है, यानी ये रिलेशन BCNF में होगा। हमेशा बोल सकते हैं कलेक्शन रिलेशन इज इन BCNF बट बुक रिलेशन इज इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म। तो देखिए हमने ऑलरेडी इस टाइप के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे कि मान लीजिए रिलेशन आपका किसी पर्टिकुलर नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, जैसे कि मान लीजिए रिलेशन आपका फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, देन हम क्या करते थे उसको डिकम्पोज करके हायर नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर कोई रिलेशन किसी पर्टिकुलर नॉर्मल फॉर्म में नहीं है तो हम उस रिलेशन को डिकम्पोज करके उस हायर नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते थे, ठीक है ना। तो ये जरूरी नहीं है कि आप उस रिलेशन को डिकम्पोज करते जाए और वो हायर नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। जैसे कि एक एग्जांपल हम ऑलरेडी आपको दे चुके हैं कि जरूरी नहीं है, देखिए आप डिकम्पोज करते हुए मैक्सिमम यहां तक आ सकते हैं, 3NF तक आ सकते हैं, लेकिन 3NF के बाद कुछ रिलेशन ऐसे भी होंगे जो BCNF में कन्वर्ट नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि आपका गोल क्या है, आपका गोल है कि आपको 0% रिडंडेंसी चाहिए, ये डुप्लीकेसी नहीं होना चाहिए, 0% रिडंडेंसी होना चाहिए। तो फर्स्ट गोल है 0% रिडंडेंसी। देखिए यहां पर जो हम बात कर रहे हैं वो रिडंडेंसी की बात कर रहे हैं, क्रिएटेड बाय फंक्शनल डिपेंडेंसी, MVD के द्वारा, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी के द्वारा क्रिएट की गई रिडंडेंसी की बात हम यहां पर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अप टू BCNF हम जो रिडंडेंसी रिमूव करते हैं, हम उन्हीं रिडंडेंसी को रिमूव करते हैं जो कि क्रिएटेड होती है बाय ए फंक्शनल डिपेंडेंसी। इसके बाद हम MVD की बात करेंगे। फर्स्ट गोल है 0% रिडंडेंसी, सेकंड गोल है कि डिकम्पोजिशन लॉसलेस भी होना चाहिए, थर्ड गोल है कि वो जो डिकम्पोजिशन है वो डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग होना चाहिए। तो हमारा गोल ये है कि रिडंडेंसी भी 0% हो जाए, डिकम्पोजिशन लॉसलेस भी होना चाहिए, और वो आपका डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग भी होना चाहिए। अब जैसे कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होने के लिए वो एटॉमिक होना चाहिए, डोमेन एटॉमिक होना चाहिए, सेकंड नॉर्मल फॉर्म होने के लिए पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए, जितनी भी एफडीज होंगी नॉन ट्रिविअल एफडीज होंगी वो सारी भी आपकी फुली डिपेंडेंट होना चाहिए, थर्ड नॉर्मल होने के लिए ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए, और BCNF होने के लिए सभी नॉन ट्रिविअल एफडीज के लेफ्ट हैंड साइड को सुपर की होना मस्ट है, ठीक है ना। तो ये कुछ कंडीशन है BCNF तक चेक करने के लिए। तो देखिए अगर रिडंडेंसी की बात करें तो सबसे ज्यादा हाई रिडंडेंसी यहां पर होगी, रिडंडेंसी की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा रिडंडेंसी यहां होगी, यानी सबसे हाई रिडंडेंसी आपको यहां पर मिलेगी, इससे कम रिडंडेंसी सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होगी, यानी सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आपकी कुछ रिडंडेंसी मिनिमाइज हो जाएगी, ठीक है ना, रिड्यूस हो जाएगी। थर्ड नॉर्मल फॉर्म पे अगर आप जाएंगे तो फिर आपकी रिडंडेंसी कुछ कम हो जाएगी, और BCNF तक आते आते 0% हो जाएगी आपकी रिडंडेंसी जो कि क्रिएटेड बाय 0% रिडंडेंसी, जो रिडंडेंसी कौन सी होगी, क्रिएटेड बाय ए फंक्शनल डिपेंडेंसी एक्स और वाई, यानी जो फंक्शनल डिपेंडेंसी एक्स और वाई की वजह से जो रिडंडेंसी होगी उसका लेवल यहां पर 0% होगा। यहां पर रिडंडेंसी हो सकती है और उस रिडंडेंसी के होने का रीजन होगा MVD, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी की वजह से यहां पर कुछ रिडंडेंसी हो सकती है, लेकिन FD की वजह से यहां पर रिडंडेंसी लेवल 0% होगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं इधर की तरफ आने पर आपकी रिडंडेंसी कम होती जा रही है और यहां पर आकर के 0% हो जाएगा अगर वो FD के द्वारा होगी तो, ठीक है ना, फंक्शनल डिपेंडेंसी के द्वारा क्रिएट की गई रिडंडेंसी यहां पर 0% हो जाएगी, MVD द्वारा यहां पर कुछ होगी, तो इसलिए इधर आने पर आपकी रिडंडेंसी कम होती जा रही है। अब बात करते हैं लॉसलेस वाला, तो अगर आप लॉसलेस की बात कर रहे हैं तो
यहां पर आप ऑलवेज लॉसलेस डिकम्पोजिशन पॉसिबल है, ऑलवेज लॉसलेस डिकम्पोजिशन पॉसिबल है, इस पर भी लॉसलेस डिकम्पोजिशन आपको ऑलवेज पॉसिबल है, यहां पर भी ऑलवेज लॉसलेस डिकम्पोजिशन आपका पॉसिबल है, और इस नॉर्मल फॉर्म में भी अगर आप किसी रिलेशन को 3NF से BCNF में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ऑलवेज लॉसलेस डिकम्पोजिशन आपका पॉसिबल है। इसका मतलब अगर एक रिलेशन 1NF में है तो आप लॉसलेस डिकम्पोजिशन उसके लिए एग्जिस्ट करता होगा सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। अगर एक रिलेशन सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है तो लॉसलेस डिकम्पोजिशन एग्जिस्ट करता होगा उसको 3NF में कन्वर्ट करने के लिए। अगर एक रिलेशन 3NF में है तो ऑलवेज उसके लिए एक लॉसलेस डिकम्पोजिशन एग्जिस्ट करता होगा उसको BCNF में कन्वर्ट करने के लिए। अब बात करते हैं थर्ड गोल की, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग की। तो यहां पर ऑलवेज आपका डिपेंडेंसी प्रिजर्व रहेगी, इसमें भी डिपेंडेंसी आपका ऑलवेज प्रिजर्व रहेगी। जब आप रिलेशन को डिकम्पोज करेंगे तो यहां पर इस लेवल पर भी आपका डिपेंडेंसी प्रिजर्व रहेगी, यहां पर भी आपका डिपेंडेंसी प्रिजर्व रहेगी। इन चीजों को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चंस की फॉर्म्स में, लेकिन यहां पर जरूरी नहीं है मे और मे नॉट भी। यानी ऐसा हो सकता है कि आप एक थर्ड नॉर्मल फॉर्म वाले रिलेशन को अगर आप BCNF में कन्वर्ट करें तो वहां पर आपका जो लॉसलेस डिकम्पोजिशन होगा वो डिकम्पोजिशन तो लॉसलेस होगा लेकिन डिपेंडेंसी वहां पर लॉस्ट हो सकती है, जिसका एक एग्जाम्पल हम ऑलरेडी आपको दे चुके हैं। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये तीनों क्राइटेरिया कभी मीट नहीं कर सकते सभी रिलेशंस के लिए। कुछ रिलेशंस के लिए कर सकते हैं, कुछ रिलेशंस के लिए ये तीनों क्राइटेरिया मीट कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि सभी रिलेशंस के लिए आप 0% रिडंडेंसी भी कर सकते हो, लॉसलेस भी पॉसिबल हो और डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग भी पॉसिबल हो। सभी रिलेशंस के लिए ये तीनों गोल एक साथ मीट नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि कुछ रिलेशंस ऐसे हैं जिनको कि आप जब 3NF से BCNF में कन्वर्ट करेंगे वहां पर ये थर्ड क्राइटेरिया फेल हो जाएगा, यानी वो डिपेंडेंसी को प्रिजर्व नहीं रखेंगे। हालांकि वो लॉसलेस होंगे, रिडंडेंसी लेवल भी 0% आ जाएगा, लेकिन डिपेंडेंसी लॉस्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से अगर आपकी क्वेरी का आंसर वहां पर रॉन्ग भी आ सकता है। ठीक है ना? तो ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप सभी रिलेशंस में ये तीनों गोल एक साथ अचीव कर लें। तो फिर आप किस नॉर्मल फॉर्म को प्रेफर करेंगे? हम प्रेफर करेंगे थर्ड नॉर्मल फॉर्म को। क्यों? क्योंकि देखिए थर्ड नॉर्मल फॉर्म को हम इसलिए प्रेफर करेंगे क्योंकि यहां पर आपका रिडंडेंसी 0% तो नहीं है लेकिन काफी कम होगी, बहुत कम रिडंडेंसी होगी 3NF में। लॉसलेस भी है ये और डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग भी है, तो हमारे काम का हो जाएगा थर्ड नॉर्मल फॉर्म, क्योंकि अगर हमारी डिपेंडेंसी लॉस्ट हो गई तो फिर वो हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है ना? तो इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि हम BCNF तक नहीं जाते हैं, जनरली हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म को ही करते हैं। तो मोर एक्यूरेट नॉर्मल फॉर्म कौन सी है? मोर एक्यूरेट नॉर्मल फॉर्म है थर्ड नॉर्मल फॉर्म, क्योंकि यहां तक कोई एरर नहीं होगी। यहां पर एरर हो सकती है, लॉस्ट हो जाएगा तो यहां पर आपका ये एरर प्रोड्यूस कर देगा। तो एक्यूरेट नॉर्मल फॉर्म है थर्ड नॉर्मल फॉर्म। थर्ड नॉर्मल फॉर्म इज बेटर देन BCNF क्योंकि यहां पर आपके ये जो सभी क्राइटेरिया मीट कर रही है। ठीक है ना? डिपेंडेंसी भी बहुत कम है, डिपेंडेंसी भी बहुत कम है और लॉसलेस डिकम्पोजिशन भी ऑलवेज पॉसिबल है और डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग भी है। अब डिस्कस करते हैं बाइनरी रिलेशन। अगर आप एक बाइनरी रिलेशन ले रहे हैं तो वो किस नॉर्मल फॉर्म में होगा? तो बाइनरी रिलेशन का क्या मतलब है? ए रिलेशन हैविंग टू एट्रीब्यूट, यानी एक रिलेशन में अगर आपके केवल टू एट्रीब्यूट होंगे तो वो बाइनरी रिलेशन होगा। तो लेट से ये आर जो है आपका एक बाइनरी रिलेशन है, तो चेक करते हैं किस नॉर्मल फॉर्म में होगा। तो यहां पर चार केस आपके बन सकते हैं। फर्स्ट केस देखिए, लेट से ए आपका एक कैंडिडेट की है, या सेकंड केस में लेट से बी एक कैंडिडेट की है, या थर्ड केस में मान लीजिए कि ए बी कंबाइंड एक कैंडिडेट की है, या फोर्थ केस में मान लीजिए इसमें कोई कैंडिडेट की है ही नहीं है। ठीक है ना? तो इस टाइप के यहां पर चार केसेस आपके बन सकते हैं। तो अगर आपका ए यहां पर कैंडिडेट की होगा तो आपका एक नॉन ट्रिवियल एफडी एग्जिस्ट करता होगा ए और बी। अगर बी कैंडिडेट की होगा तो एक नॉन ट्रिवियल एफडी हो जाएगा बी और ए। लेट से ए बी कंबाइंड आपका एक कैंडिडेट की है तो यहां पर एक एफडी एग्जिस्ट करता होगा, ट्रिवियल एफडी होगा वो ए बी एरो ए बी। और ये फोर्थ केस में मान लीजिए इसमें कोई की ही नहीं है तो उस केस में तो ये 1NF में होगा ही नहीं, यानी 1NF में नहीं होगा ये रिलेशन। अगर फोर्थ केस की हम बात करें जिसमें कि इस रिलेशन में कोई भी की नहीं है, देन ये आपका 1NF में ही नहीं होगा, नॉट इन 1NF, क्योंकि 1NF में होने के लिए इसमें एटलीस्ट 1 की होना चाहिए, सारी टपल्स आपके डिफरेंट होना चाहिए। इसका मतलब हम ऐसा कब बोल सकते हैं कि ये रिलेशन फोर्थ केस में आएगा, यानी इस रिलेशन में एक भी प्राइमरी की नहीं होगी? ऐसा तब होगा जब इस रिलेशन में दो आइडेंटिकल टपल्स होंगी। अगर कोई भी दो आइडेंटिकल टपल्स हो जाएगा तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस रिलेशन में कोई भी की नहीं होगी। तो जनरली फोर्थ केस आपका पॉसिबल नहीं है क्योंकि 1NF में तो होगा ही, 1NF में होने के लिए आपका उसमें की होगा, और जब भी उसमें की होगा तो कोई भी दो टपल्स आपकी सेम नहीं हो सकती है। तो फोर्थ केस को तो हम ऐसे हटा देते हैं। बात करते हैं इसकी। अब चूंकि यहां पर ए की है तो ए सुपर की हो जाएगा यानी BCNF, यानी फर्स्ट केस होगा तो ये BCNF होगा। सेकंड देखिए, बी की है, बी सुपर की हो जाएगा यानी BCNF। थर्ड केस देखिए, ए बी की है, ए बी आपका सुपर की हो जाएगा यानी BCNF। यानी हमेशा बोल सकते हैं कि एक बाइनरी रिलेशन ऑलवेज इन BCNF, बाइनरी रिलेशन आपका हमेशा एक BCNF को BCNF में होगा। लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान रखिए, BCNF में तब होगा जब वो 1NF में होगा,
एक बाइनरी रिलेशन आपका ऑलवेज बीसीएनएफ में होगा, लेकिन वो तब होगा जब वो वन एनएफ में ऑलरेडी होगा। जैसे कि मान लीजिए हम ये बोल दें कि यहां पर बी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, अगर बी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है तो फिर तो ये वन एनएफ में ही नहीं होगा, जब ये वन एनएफ में नहीं होगा तो बीसीएनएफ में कैसे हो जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं बाइनरी रिलेशन आपका ऑलवेज वन, बाइनरी रिलेशन आपका ऑलवेज बीसीएनएफ में होगा, लेकिन वो रिलेशन आपका वन एनएफ में होना चाहिए। तो ये फोर्थ केस नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वन एनएफ में ही नहीं होगा, जब वो वन एनएफ में नहीं होगा तो बीसीएनएफ में भी नहीं होगा, या फिर कोई भी एट्रीब्यूट मल्टी एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए, यानी सभी एट्रीब्यूट सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट होना चाहिए, देन हम ऐसा बोल सकते हैं कि बाइनरी रिलेशन आपका ऑलवेज इन बीसीएनएफ। अब एक क्वेश्चन और हम डिस्कस करना चाहते हैं, मान लीजिए आपके पास दो रिलेशन है, और आपको यह पता है कि उनमें से एक रिलेशन आपका 3NF में है और दूसरा रिलेशन आपका BCNF में है, यानी एक रिलेशन आपका 3NF में है 3NF, एक रिलेशन आपका थर्ड नॉर्मल फॉर्म में 3NF बट नॉट इन BCNF और सेकंड रिलेशन आपका BCNF में। आपको एक टेस्ट परफॉर्म करना है, उस टेस्ट में आप क्या करेंगे कि कोई भी एक रिलेशन को रेंडमली यहां पर चूज कर लेंगे और एक कंडीशन में अप्लाई करेंगे, जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सा रिलेशन इसको सेटिस्फाई कर रहा है जो 3NF में बट नॉट इन BCNF और कौन सा रिलेशन BCNF की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप यहां पर उस टेस्ट में क्या कंडीशन अप्लाई करेंगे, हम रेंडमली एक रिलेशन सेलेक्ट करेंगे और वो कंडीशन अप्लाई कर देंगे, तो आप ऐसी कौन सी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं जिससे कि आप ये आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन सा रिलेशन कौन से केस में जाएगा। तो देखिए ये दोनों ही रिलेशन 3NF में होंगे, हमें बोल सकते हैं कि ये दोनों ही रिलेशन 3NF में होंगे, तो जब 3NF में होंगे तो 3NF की दोनों ही रिलेशन 3NF में होंगे तो 3NF की कंडीशन लगाने पर तो आपको कोई फायदा लगेगा नहीं, क्योंकि दोनों ही 3NF की कंडीशन को पास कर जाएंगे, 2NF की कंडीशन को भी दोनों पास करेंगे, 1NF की कंडीशन को भी पास करेंगे। तो टेस्ट कंडीशन आप लगाएंगे यहां पर BCNF की, आप क्या कीजिए कोई भी एक रिलेशन उठा लीजिए BCNF की कंडीशन पर, उसको चेक कर लीजिए, अगर वो पास कर गया तो वो रिलेशन BCNF में होगा, अगर वो फेल कर गया तो वो रिलेशन ये वाला होगा, यानी BCNF की कंडीशन लगा करके आप इजीली यहां पर चेक कर सकते हैं। अब आपके पास एक रिलेशन गिवन है और उस रिलेशन में मान लीजिए n एट्रीब्यूट है, एक रिलेशन r गिवन है जिसमें कि मान लीजिए n एट्रीब्यूट्स हैं और लेट से कि वो जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो सभी आपके कैंडिडेट की हैं, एक रिलेशन r है जिसमें कि n एट्रीब्यूट्स हैं और ये जो कैंडिडेट की है वो सभी एट्रीब्यूट्स कैंडिडेट की है, यानी a1 एक कैंडिडेट की है, a2 भी आपका एक कैंडिडेट की है, a3 भी आपका कैंडिडेट की है, इसी तरीके से an भी एक कैंडिडेट की है। क्या आप मुझे यहां पर बता सकते हैं कि यहां पर टोटल कितनी सुपर कीज होंगी इस रिलेशन के लिए, टोटल कितनी सुपर की होगी अगर इसके सभी एट्रीब्यूट्स एक कैंडिडेट की हो? तो देखिए ये हम आपको बता चुके हैं सुपर की क्या होती है, सुपर की होती है सुपर सेट ऑफ कैंडिडेट की, यानी सुपर सेट ऑफ कैंडिडेट की होती है। तो एक काम कीजिए, अगर हम आपसे ये पूछे कि इस रिलेशन इस इन एट्रीब्यूट्स के आप कितने सबसेट बना सकते हैं, तो देखिए आपको पता होगा कि अगर आप ए और बी और सी लेते हैं तो इसके आप टोटल 8 सबसेट बना सकते हैं, 2 cube = 8 सबसेट बना सकते हैं, फर्स्ट सबसेट हो जाएगा ए, सेकंड हो जाएगा ए सी, इसी तरीके से आप ऐसा बोल सकते हैं ए बी और सी, तो ये टोटल 8 सबसेट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो चूंकि यहां पर सभी आपकी जो की है वो सभी एट्रीब्यूट्स आपकी कैंडिडेट की है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि आप इनके सबसेट लिख लीजिए, तो एन एट्रीब्यूट्स के कितने सबसेट हो सकते हैं, एन एट्रीब्यूट्स के टोटल 2n सबसेट हो सकते हैं, ठीक है ना। तो जो भी सबसेट आप उठाएंगे वो एक सुपर की होगा, क्योंकि उसमें आपका वो कैंडिडेट की होगा ही होगा, ठीक है ना। तो जो भी सबसेट आप उठाएंगे वो एक सुपर की होगा, केवल इसको छोड़ करके, फाइव को छोड़ करके। तो इसके लिए हम क्या कर देंगे यहां पर -1, तो मैं बोल सकते हैं कि अगर n एट्रीब्यूट है आपके पास और सभी एट्रीब्यूट आपके कैंडिडेट के होंगे तो टोटल नंबर ऑफ सुपर की (2^n-1). जैसे कि इस रिलेशन R को देखिए, अगर इस रिलेशन R को हम डिकम्पोज करते हैं R1 और R2 में, तो यहां पर FD हो जाएगा A एरो B और यहां पर FD हो जाएगा C एरो D। आप क्या देख रहे हैं, ये जो डिकम्पोजिशन है डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग तो है लेकिन लॉसलेस नहीं है, यानी ये लॉसी डिकम्पोजिशन है। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि डिकम्पोजिशन आपका जो है वो डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग तो है लेकिन वो लॉसी है। इसका मतलब लॉसी, लॉसलेस, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग या नॉट डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग, इनमें कोई रिलेशनशिप नहीं है। एक डिकम्पोजिशन आपका लॉसलेस होने के साथ साथ डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग हो भी सकता है या डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग नहीं भी हो सकता है, या एक डिकम्पोजिशन डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग होने के साथ साथ लॉसी या लॉसलेस भी हो सकता है। जैसे कि देखिए ये आपका डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है लेकिन इसके बाद भी ये लॉसी है। अब इस रिलेशन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन आपका ये है, एक रिलेशन स्कीमा आर आपको गिवन है और क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि K1 एक कैंडिडेट की है, K2 भी आपका एक कैंडिडेट की है और एक FD आपको गिवन है X एरो Y, एक फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है, K1 K2 आपके कैंडिडेट की,
की है, और साथ में क्वेश्चन में ये भी गिवन है ए बिलोंग्स टू के वन, यानी ये जो एट्रीब्यूट ये जो ए है ये बिलोंग कर रहा है इस कैंडिडेट की के वन को, और ए डज नॉट बिलोंग्स टू दिस कैंडिडेट की के टू, यानी ए बिलोंग्स टू के वन एंड ए डज नॉट बिलोंग्स टू के टू। और ये भी क्वेश्चन में गिवन है कि एक्स इज नॉट ए सुपर की, एक्स आपका सुपर की नहीं है। अब जब एक्स आपका सुपर की नहीं है तो एक्स आपका कैंडिडेट की भी नहीं होगा, यानी अब जब ये सुपर की नहीं है तो ये कैंडिडेट की भी नहीं होगा। आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये फंक्शनल डिपेंडेंसी एक्स एरो ए किस नॉर्मल फॉर्म में होगी, हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म आइडेंटिफाई करनी है। क्या ये बीसीएनएफ में होगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि ये गिवन है कि एक्स इज नॉट ए सुपर की। थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए चेक करते हैं, ये आपका सुपर की तो नहीं है लेकिन ये आपका प्राइम एट्रीब्यूट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है सभी एट्रीब्यूट्स, यहां पर जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे वो प्राइम एट्रीब्यूट्स होंगे। इसका मतलब ये रिलेशन थ्री नेफ में तो होगा लेकिन बीसीएनएफ में नहीं होगा, यानी इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म बट नॉट इन बीसीएनएफ। तो आंसर आ जाएगा इन थ्री नेफ बट नॉट इन बीसीएनएफ।